नमस्कार केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। केंद्रीय पद पर ईआरओ या तहसीलदार हो जिला रिटर्निंग अधिकारी, कोविंद रेड्डी ने कहा। बसवना जयंती सरलता से मनाए, जिला निर्वाचन अधिकारी कोविंद रेड्डी ने कहा। सेक्स वीडियो कांड, प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दूसरा लुकआउट सर्कुलर जारी। कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, केएस ईश्वरप्पा ने कहा। राहुल गांधी को तो पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल, 6 दिन पहले कहा था कहीं नहीं जा रहा, कांग्रेस में ही रहूंगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि आरओ और तहसीलदारों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के केंद्र में रहना चाहिए क्योंकि बीदर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव अभी 2 से 3 दिन दूर है। जिलाधिकारी ने तहसीलदारों और सेक्टर अधिकारियों सहित चुनाव के लिए नियुक्त अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो बातचीत की। सेक्टर अधिकारी सभी मतदान केंद्रों का दौरा करें और मतदान केंद्रों में कुर्सियां, मेज, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपस्थिति की जांच करें। अन्यथा उन्हें रोनीवी और ग्राम सेवकों से स्थापित करने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम होने के कारण सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए तथा मतदान के दिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नाश्ता एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की जाए। मतदान केंद्रों में 2 कमरे आरक्षित होने चाहिए, 1 पुरुषों के लिए और 1 महिलाओं के लिए, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी अधिक होती है जिसे वोट देने आने वालों को वहां खड़े होने में सुविधा हो। मतदान केंद्रों पर सीलिंग या टेबल फैन की व्यवस्था की जाए। मतदान केंद्रों पर हर 2 घंटे पर बीएलओ को मतदान की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि मतदान और मतदान के दिन अधिकारी अपने साथ मोबाइल पावर पैक लेकर आए, सुनिश्चित करें कि सभी चुनाव सामग्री मतदान केंद्रों के अंदर रखी जाए। सभी मतदान केंद्रों पर 100 मीटर एवं 200 मीटर की लाइन चिन्हित की जाए तथा 100 मीटर के अंदर कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। 200 मीटर से आगे राजनीतिक दल शामियाने लगा सकते हैं और मतदाताओं को मतपत्र दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। सेक्टर अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस होना जरूरी है, क्रियान्वित किया जाना चाहिए। भीड़भाड़ वाले स्थानों को शामियाना से ढका जाना चाहिए और मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए और 1 एम्बुलेंस उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों के लिए नाश्ता एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था के लिए 1 व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। लोकसभा आम चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सांस्कृतिक नेता विश्वगुरु बसवन्ना की जयंती 10 मई को मनाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी ने कहा 10 तारीख को सरल और प्रतीकात्मक तरीके से मनाएं। वह शनिवार को जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में सांस्कृतिक नेता विश्वगुरु बसवन्ना की जयंती के अवसर पर बुलाई गई प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से 10 तारीख को सुबह 8:30 पर जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में सांस्कृतिक नेता विश्वगुरु बसवन्ना के चित्र पर पूजा अर्चना की जाएगी। फिर 9 बजे वे बीदर शहर में बसवन्ना की मूर्ति पर जाएंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक चंद बसवन्ना एसएल ने कहा कि जिले में बसवन्ना की जयंती शांति और सद्भावना के साथ मनाई जानी चाहिए और सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों और कॉलेजों में बसवन्ना के चित्र पर पूजा की जानी चाहिए। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के गृहमंत्री गंगाधरैया परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि राज्य के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ दूसरा लुकआउट नोटिस जारी किया है।
गृह मंत्री ने कहा कि नोटिस कल जारी किया गया था और दोनों को शाम तक इसका जवाब देना होगा। प्रज्वल रेवन्ना जो कथित तौर पर कर्नाटक के हासन में उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए स्पष्ट यौन वीडियो सामने आने के बाद विदेश चले गए थे। उन्होंने विशेष जांच दल एसआईटी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था, हालांकि उनके अनुरोध को अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। इस सप्ताह की शुरुआत में उनके खिलाफ पहला लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। हमने एचटी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हमने एचटी रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी किया था क्योंकि वह विदेश जाने की योजना बना सकते थे, लेकिन दूसरा नोटिस कल दिया गया। उनके पास नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम तक का समय है। शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ राजनेता और पूर्व डीसीएम के एस ईश्वरप्पा के भाजपा के बागी के रूप में मैदान में उतरने से एक अजीब मोड़ आ गया। उन्होंने वर्तमान चुनाव और निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जबरदस्त है, बीजेपी और आरएसएस के करीब 70% कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। इन प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं ने लोगों तक पहुंचने का मेरा काम आसान कर दिया है। हमारे राष्ट्रभक्त पलिगा ने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में 2338 बूथ समितियों का गठन किया है और कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करने में लगे हुए हैं। सभी जाति और समुदाय के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे कि कांग्रेस मां बेटे के हाथ में है और भाजपा ऐसी वंशवाद की राजनीति का विरोध करेगी, लेकिन राज्य में बीजेपी में भी ऐसी ही स्थिति है। जहां बीएस येदियुरप्पा सांसद या बोर्ड के सदस्य हैं, उनका एक बेटा सांसद है और दूसरा बेटा राज्य बीजेपी अध्यक्ष है। फिलहाल राज्य बीजेपी की कमान बीएसवाई परिवार के हाथ में है। दूसरा कारण सीटी रवि, सदानंद गौड़ा, प्रताप सिंह, यत्नाल और अन्य जैसे हिन्दुत्व विचारधारा वाले नेताओं को दरकिनारा करना है। पिछले साल 1 अक्टूबर से संपत्तियों के लिए मार्गदर्शन मूल्य में संशोधन के साथ साथ गैर पंजीकरण योग्य दस्तावेजों के लिए शुल्क में वृद्धि ने कर्नाटक स्टाम्प और पंजीकरण विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व संग्रह में अब तक के उच्चतम स्तर को छूने में सक्षम बनाया है। राज्यभर में इसके 256 उपपंजीयक कार्यालयों द्वारा एकत्रित किया गया कुल राजस्व 20,287.3 करोड़ रुपए था, जो इसके अस्तित्व के 150 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक है। विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्व के मामले में पिछला उच्चतम 22-23 के दौरान था, जब 17,873.97 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। एक अधिकारी ने बताया, जैसा कि आदर्श रहा है, बेंगलुरु शहर के लिए पंजीकरण विभाग द्वारा सीमांकित 5 जिलों शिवाजीनगर, गांधीनगर, जयनगर, बसवनगुड़ी और राजाजीनगर जिलों द्वारा एकत्र किए गए हैं। 13,16,088 करोड़ रुपए के साथ इस राजस्व का 60% योगदान देता है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि वो अमेठी से डर कर भाग गए और रायबरेली को चुनाव लड़ने के लिए चुना है। ये बात तो है विपक्ष की, लेकिन कभी प्रियंका गांधी के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर एक धमाकेदार बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का फैसला किया, लेकिन हकीकत यह है कि रायबरेली में भी राहुल गांधी हारेंगे। प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि राहुल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसे देखते हुए हिंदुस्तान में तो उनकी सियासत कमजोर हो गई है। ऐसे में राहुल के लिए बेहतर ये होगा कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स के फैन हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में। प्रमोद कृष्णम का दावा है कि जिस तरह प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, जिस तरह प्रियंका को अमेठी, रायबरेली या सुल्तानपुर से टिकट नहीं दिया गया, उससे कांग्रेस के भीतर एक धड़े में बहुत नाराजगी है।
प्रमोद कृष्णम का दावा है कि राहुल गांधी के कहने पर प्रियंका गांधी के कांग्रेस की सियासत पे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस के लिए चुनाव नतीजे बुरे आते हैं तो 4 जून के बाद पार्टी के भीतर 2 गुट बन जाएंगे। राहुल और प्रियंका गांधी खेमे के नेता अलग अलग हो जाएंगे। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इसी सप्ताह रविवार को दिल्ली कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया था। किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस दिल्ली प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है, वह पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। हालांकि एक सप्ताह के अंदर ही उन्होंने अपने बयान के उलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अरविंदर सिंह लवली के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद कांग्रेस के 2 अन्य नेताओं ने इस्तीफा दिया था। पूर्व विधायक नीरज पसोया और नसीब सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर आपत्ति जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों नेताओं के साथ राजकुमार चौहान भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अपने लिए नहीं दिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मैंने ये इस्तीफा दी है। उन्होंने कहा कि यदि मेरा इस्तीफा स्वीकार हुआ है तो बावरिया जी का धन्यवाद। किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्कर ने यह नहीं कहा कि मौजूदा केजरीवाल सरकार को हमने क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मन की पीड़ा, दिल्ली के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेज दिया है। मेरी पीड़ा उसूलों को लेकर है। जनसेना के संस्थापक एवं अभिनेता पवन कल्याण ने कहा कि राजनीति 5 मिनट का न्यूडल्स नहीं है और इसमें कोई भी फौरन नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि नेताओं को बाधाओं तथा असफलताओं को छेलकर लोगों का विश्वास अर्जित करना होता है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए जनसेना, तेलुगु देशम पार्टी, तेदपा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सहयोगी हैं। पवन कल्याण ने लोगों से राजग के लिए वोट करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने कहा, आपको समझाना होगा, हम सभी सोचते हैं कि राजनीति एक फास्ट फूड है और हम इससे फास्ट फूड जैसे परिणाम की ही उम्मीद करते हैं। आप इसके तुरंत परिणाम चाहते हैं, यह 5 मिनट का मैगी नूडल्स नहीं है। जब मैं लोकनायक जयप्रकाश को देखता हूं, जब राम मनोहर लोहिया सभी वरिष्ठों यहां तक कि श्री कांशी राम को देखता हूं, तो वे हारे लेकिन उन्होंने हासिल किया, इसीलिए यह एक यात्रा की तरह है जो चलती रहती है। कल्याण ने कहा कि लोगों को इस बात पर भरोसा करना होगा कि उनका नेता राजनीतिक विघ्न बाधाओं का सामना कर सकता है। जनसेना नेता ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने अब वह भूमिका हासिल कर ली है, इसका परिणाम चुनाव में स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। दक्षिणी राज्य के विभाजन के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वादे से संबंधित मुद्दे पर कल्याण ने कहा कि यह छलका हुआ दूध है और इसने एक अलग रूप ले लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं 2 चरणों के चुनाव के बाद भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को दर्द की वजह से परेशान दिखे। एक वीडियो में कार्यकर्ता उन्हें मंच से नीचे उतारते हुए दिखे। आरजेडी के एक्स अकाउंट से इसका वीडियो शेयर किया गया है। शनिवार को उन्होंने बताया कि उनकी कमर में दर्द है जो बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेरा यह दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला गया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी सेहत को लेकर जानकारी दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, आराम के अभाव एवं निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था, 2 दिन से अचानक बढ़ गया, लेकिन मेरा ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला गया है। मैं अपने दर्द को भूल जाता हूं जब देखता हूं कैसे गरीब माताओं बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीड़ा का अनुभव होता है, किसान भाइयों को सिंचाई के साधन व फसल का उचित दाम नहीं मिलने तथा संसाधनों के अभाव एवं रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों के पलायन का कष्ट देखता हूं तो मुझे मेरा दर्द महसूस भी नहीं होता। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल हमास युद्ध के चलते गाजा में अकाल चरम पर पहुंच गया है। भूखमरी में से फिलिस्तीनियों की जान को संकट है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र भी बेहद चिंतित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध को 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने और फिलिस्तीनी क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति पर इसराइल द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के कारण संकटग्रस्त उत्तरी गाजा में अकाल अब अपने चरम पर पहुंच गया है। सरा विश्व खाद्य कार्यक्रम के अमरीकी निर्देशक सिंडी मैककेन अब तक की पहली ऐसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तरी गाजा में फंसे नागरिकों के अकाल से जूझने की पुष्टि की है। मैककेन के एनबीसी के मीट द प्रेस को दिए साक्षात्कार में कहा, यह भयावह उत्तर में अकाल चरम पर है और यह स्थिति दक्षिण की ओर बढ़ रही है। यह साक्षात्कार रविवार को प्रसारित होगा। उन्होंने कहा कि गाजा में तेजी से बढ़ते इस गंभीर मानवीय संकट का सामना करने के लिए संघर्ष विराम और जमीन व समुद्री मार्गों के जरिए सहायता पहुंचाने की दर में भारी वृद्धि की जरूरत है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर केस मामले में कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए उनके नाम और तस्वीरें भी जारी कर दिया है। राइटर्स के अनुसार भारत द्वारा नामित खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से 22 वर्षीय करण बराड, 22 वर्षीय कमलप्रीत सिंह और 28 वर्षीय करणप्रीत सिंह का नाम शामिल है। इन्हें शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि 8 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 बंदूकधारियों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा ने इस हत्या में भारत का हाथ होने का निराधार आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP ने इस मामले में गिरफ्तार उन 3 आरोपियों की तस्वीरें और पहचान जारी की है जिन्हें अल्बर्टा के एडमोंटन शहर में गिरफ्तार किया गया था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय पद पर ERO या तहसीलदार हो जिला रिटर्निंग अधिकारी, कोविंद रेड्डी ने कहा। बसपना जयंती सरलता से मनाए, जिला निर्वाचन अधिकारी कोविंद रेड्डी ने कहा। सेक्स वीडियो कांड प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दूसरा लुकआउट सर्कुलर जारी। कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, KS ईश्वरप्पा ने कहा। राहुल गांधी को तो पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि प्रमोद कृष्णम का पड़ा बयान। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल, 6 दिन पहले कहा था कहीं नहीं जा रहा, कांग्रेस में ही रहूंगा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।